सुक्त दसवां भाग एक। देवता विराट। प्रारंभ में विराट ही था। उसके उत्तम होने से सर्व को भय हुआ कि भविष्य में यह अकेला ही रहेगा। उस विराट ने उत्क्रम किया। वह जल बनकर गार्हपत्य अग्नि में प्रवेश कर गया। जो गृहपति इस प्रकार जानता है वह ग्रह मेधी बन जाता है। उस विराट ने पुनः उत्क्रम किया और आहवनीय अग्नि में प्रवेश कर गया। जो इस बात को जानता है वह देवों का प्रिय हो जाता है और उसके आह्वान पर देवगण पधारते हैं। उस विराट ने पुनः उत्क्रम किया और वह दक्षिणा अग्नि में प्रवेश कर गया। जो इस बात को जानता है वह यज्ञ ऋत और दक्षिणा अग्नि में निवास करने वाला बनता है। विराट ने पुनः उत्कर्म किया तथा वह सभा में प्रवेश कर गया। जो इस बात को जानता है वह सभ्य अर्थात सभा में बैठने योग्य बनता है और उसकी सभा में सभी जाते हैं। उसने पुनः उत्कर्म किया और वह समिति में प्रवेश कर गया। जो इस बात को जानता है वह समितय अर्थात समिति में सम्मिलित होने योग्य बन जाता है। उसकी समिति में सभी सम्मिलित होते हैं। उस विराट ने पुनः उत्कर्म किया और वह आमंत्रण में प्रवेश कर गया। जो इस बात को जानता है वह आमंत्रणीय अर्थात आमंत्रण के योग्य बन जाता है और सभी जन उसका आमंत्रण स्वीकार करते हैं। सुक्त दसवां भाग दो। देवता विराट। उस विराट ने अंतरिक्ष में उत्क्रमण किया और उत्क्रमण करके वह चार प्रकार से स्थित हुआ। इससे देवों और मनुष्यों ने कहा, इसे जो जानता है वे दोनों ज्ञाता और गए के सहारे जीवित हैं। हम उनका आह्वान करते हैं। उन्होंने उसे बुलाया, हे ऊर्जा यहाँ आओ, हे स्वधा हमारे समीप आओ, हे सुनरता यहाँ आओ, हे ईरावती हमारे समीप आओ। इंद्र उसका बछड़ा बना, गायत्री उसकी रस्सी बनी और मेघ उसके ऐन बने। बृहत साम और रथंतर साम उस गाय के दो थन थे। उस गाय के शेष दो थन यज्ञा यज्ञ और वाम देव्य। देवों ने गाय के रथंतर रूपी थन से जड़ी बूटियों को और बृहत साम रूपी थन से व्यज को दूहा। देवों ने वामदेव्य साम रूपी थन से जल को और यज्ञ रूपी थन से यज्ञ का दोहन किया। इस बात को जो जानता है उसके लिए रथंतर साम जड़ी बूटियां और बृहत साम अर्थात व्याप्त आकाश प्रदान करते हैं। इस बात को जानने वाले के लिए वाम देव्य साम जल और यज्ञ यज्ञ साम यज्ञ प्रदान करते हैं। सुक्त दसवां भाग तीन। देवता विराट। उस विराट ने उत्क्रमण किया और वह वनस्पतियों के समीप पहुंचा। वनस्पतियों ने उसका हनन किया तो वह संवत्सर बन गया। इसी कारण वनस्पतियों का कटा हुआ भाग संवत्सर अर्थात एक वर्ष में उत्पन्न हो जाता है। जो इस बात को जानता है उसका शत्रु नाश को प्राप्त होता है। उस विराट ने उत्क्रमण किया और वह पितरों के समीप पहुंचा। पितरों ने उसका हनन किया तो वह विराट मास बन गया। इसलिए प्रति मास पितरों की उपासना करके उन्हें भोजन दिया जाता है। जो इस बात को जानता है वह पितृ यान मार्ग का ज्ञाता होता है। उस विराट ने उत्क्रमण किया और वह देवों के समीप पहुंचा। देवों ने उसका हनन किया तब पक्ष उत्पन्न हुआ। इसलिए आधा मास अर्थात पखवाड़े में देवों के लिए वशट करते हैं। जो इस बात को जानता है वह देवयान मार्ग का ज्ञात होता है। उस विराट ने उत्क्रमण किया और वह मनुष्यों के समीप पहुंचा।
मनुष्यों ने उसका हनन किया तो वह तुरंत ही प्रकट हो गया। इसलिए मनुष्यों के लिए दूसरे दिन अपहरण करते हैं। जो इस बात को जानता है उसके घर में प्रतिदिन अन्न पहुंचाया जाता है। सूक्त दसवां भाग चौथा। देवता विराट। उस विराट ने पुनः उत्क्रमण किया और वह असुरों के समीप पहुंचा। असुरों ने उसका आह्वान किया कि हमारे समीप आओ। प्रथम आह्वान करने वाला विरोचन उसका वत्स हुआ। लोहे का पात्र उसका पात्र बना। दो सिरों वाले ऋतुपुत्र ने उसका तथा माया का दोहन किया। असुर उसी माया के उपजीवी हैं। जो इस बात को जानता है वह सबके उपजीवन के योग्य है। वह विराट उत्क्रमण करके पितरों के समीप पहुंचा। पितरों ने उसका आह्वान किया, हे स्वधा आओ। राजा यम उसके वत्स हुए तथा चांदी का पात्र उसका पात्र हुआ। मृत्यु के देवता यमराज ने उसका तथा स्वधा का भी दोहन किया। पितृ उस स्वधा के उपजीवी बनते हैं। जो इस बात को जानता है वह सबके उपजीवन के योग्य बन जाता है। वह विराट उत्क्रमण करके मनुष्यों के समीप आया। मनुष्यों ने उसका आह्वान करते हुए कहा, हे इरावती यहाँ आओ। वैवस्त मनु उसके वत्स थे और पृथ्वी उसका पात्र बनी। वेन के पुत्र प्रथु ने उस पृथ्वी का दोहन करते हुए उससे फसले और कृषि प्राप्त की। मनुष्य उस कृषि और फसल के सहारे जीवित रहते हैं। जो इस बात को जानता है वह कृषि कर्म में कुशल होता है तथा उसके सहारे सब जीवन यापन करते हैं। उस विराट ने उत्क्रमण किया और वह सात ऋषियों के समीप पहुंचा। सात ऋषियों ने उसका आह्वान करते हुए कहा, बृहस्पति आओ। राजा सोम उसके वत्स थे और छंद उसका पात्र था। आंगिरस बृहस्पति ने उसका दोहन किया तथा उसके ब्रह्म और तप का भी दोहन किया। उस ब्रह्म और तप के उपजीवी सात ऋषि होते हैं। जो इस बात को जानता है वह ब्रह्म वर्चस्व वाला होता है और सभी प्राणियों को उपजीवन देता है। सूक्त दसवां भाग पांचवां। देवता विराट। उस विराट ने उत्क्रमण किया और वह देवों के समीप पहुंचा। देवों ने उसका आह्वान करते हुए कहा, हे ऊर्जा आओ। उसके वत्स इंद्र हुए और चमस उसका पात्र था। सविता देव ने उसका दोहन किया और ऊर्जा को दूहा। देवगण उस ऊर्जा के सहारे जीवित रहते हैं। जो इस बात को जानता है वह सबको जीने का सहारा देने योग्य बनता है। उस विराट ने उत्क्रमण किया और वह गंधर्वों तथा अप्सराओं के समीप पहुंचा। गंधर्वों और अप्सराओं ने उसका आह्वान करते हुए कहा, हे पुण्य गंध आओ। सूर्य वर्चस का पुत्र उसका वत्स था और पुष्कर पर्ण अर्थात सरोवर का पत्ता उसका पात्र था। सूर्य वर्चस के पुत्र वसुरुचि ने उसका दोहन किया और पुण्य गंध को ही दूहा। गंधर्व और अप्सराएं उस पुण्य गंध को अपने जीवन का सहारा बनाते हैं। जो इस बात को जानता है वह सबको जीवन का आश्रय देने वाला बनता है। उस विराट ने उत्क्रमण किया और वह अन्य जनों के समीप गया। अन्य जनों ने उसका आह्वान करते हुए कहा, हे तिरोधा आओ। विशर्वा ऋषि के पुत्र कुबेर उसके वत्स थे और मिट्टी का कच्चा पात्र उसका पात्र था। रजत नाभि काबेरक ने उसका दोहन किया और उससे तिरोधा को दूहा। अन्य जन तिरोधा को जीवन का सहारा बनाते हैं। जो इस बात को जानता है वह सबके पापों को तिरोहित करता है और सबको जीवन का सहारा देने वाला बनता है। उस विराट ने उत्क्रमण किया और वह सर्पों के समीप पहुंचा।
सर्पों ने उसका आह्वान करते हुए कहा, हे विश्वालो आओ। वैशालय तक्षक उसका वत्स और अलाबु उसका पात्र था। ऐरावत संबंधी सर्प ने उसका दोहन किया और उस विष का दोहन किया। उस विष के सहारे सर्प जीवित रहते हैं। जो इस बात को जानता है वह सबको जीवन का सहारा देने वाला बनता है। सूक्त दसवां भाग छठा देवता विराट। जो इसको जानने वाले को अलाबु के द्वारा सींचता है वह उसका हनन कर देता है। वैसे तो इसका हनन नहीं करता, पर जब मन से सोचता है कि उसका हनन करूं तो हनन कर देता है। जो विषकारी विनाश करते हैं वे ही विनाश करवाते हैं। जो इस बात को जानता है उसका विष ही प्रिय होता है। वह अपने भाई के पुत्र का ही सिंचन करता है।